दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस कड़ी में हम टीपू की मृत्यु के बाद कर्नाटक की भूमि में हुए विद्रोह को कवर करेंगे। हम श्रृंखला को संक्षेप में तीन भागों में कवर करेंगे। मैसूर अज्ञात समय से स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि रहा है। अंग्रेजों को लगा कि टीपू की मौत के बाद उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। एक मायने में यह सच है कि टीपू सुल्तान के निधन के बाद शायद ही किसी राजा की ओर से कोई प्रतिरोध हुआ हो। हालांकि अगले 5 दशकों में मैसूर साम्राज्य में कई विद्रोह हुए। कर्नाटक में 1799 से 1898 तक कई विद्रोह हुए। कई इतिहासकारों का मानना कि यह मैसूर के बाग टीपू सुल्तान का प्रभाव है। दशकों तक टीपू की मौत के बाद भी उसके डर ने अंग्रेजों को परेशान किया। टीपू आज भी कर्नाटक में अपनी बहादुरी के लिए मशहूर हैं। उन पर अनेक लोक गीत रचे गए हैं। विद्रोह हालांकि छोटे थे लेकिन महत्वपूर्ण थे। दुर्भाग्य से क्रांतिकारी कहानियों को वर्तमान पीढ़ी धीरे धीरे भुला रही है। शुरुआती विद्रोहों में से एक भूडिया वाग का था। भूडिया का जन्म मैसूर के पास चेन्नागिरी में हुआ था। वह 1780 में हैदर अली की घुड़सवार सेना में शामिल हो गया। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों की सेवा की। टीपू की मृत्यु के बाद ढांडिया ने टीपू के सैनिकों को लामबंद किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। उसने कर्नाटक के उत्तरी भागों पर अधिकार कर लिया। स्थानीय आबादी, पूर्व राजकुमारों और रिसालदारों ने उनका समर्थन किया। उसने अंग्रेजों और मराठों के क्षेत्रों पर हमला किया। आथर वेलेस्ली की कमान के तहत ब्रिटिश सेना द्वारा 10 सितंबर 1800 को कोनागल में उन्हें मार दिया गया था। कृष्णप्पा नायक भोडियावाग के सहयोगी थे। भोडियावाग की मृत्यु के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना विद्रोह जारी रखा। वह फरवरी 1802 में मारे गए थे। जब अंग्रेज भोडियावाग में व्यस्त थे तब सुब्रमण्य घाट में वेंकटाद्री नायक ने विद्रोह शुरू कर दिया। वेंकटाद्री ने सुब्रमण्य घाट पर कब्जा कर लिया। उसने अरकेरे में ब्रिटिश सैनिकों पर हमला किया। बहुत प्रयास के बाद ब्रिटिश सेना ने उसे 10 फरवरी 1808 को गिरफ्तार कर लिया। बाद में वेंकटद्री नायक और उनके छहों को मार डाला गया। टीपू सुल्तान के परिवार के सदस्यों को वेल्लोर किले में बंदी बनाकर रखा गया था। जब किले में विद्रोह हुआ तो विद्रोहियों ने टीपू सुल्तान के पुत्र फतेह हैदर को अपना नेता बनने के लिए आमंत्रित किया। एक बार विद्रोह की हार के बाद शाही परिवार के सदस्यों को बंगाल में स्थानांतरित कर दिया गया। वेल्लोर विद्रोह और टीपू परिवार के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार किया गया, जिसे हम आगामी एपिसोड में कवर करेंगे। कोप्पल वीरप्पा कोप्पल में एक छोटे से जमींदार थे। टीपू की मृत्यु के बाद उनके कुछ क्षेत्र निजाम को दे दिए गए। वीरप्पा ने निजाम के शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए एक छोटी सी सेना खड़ी की। मेजर डॉटन और ब्रिगेडियर जनरल प्रिज्जर के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने वीरप्पा को हराया। निजाम की सेना का नेतृत्व जनरल इदरस खान ने किया था। वीरप्पा ने केवल 500 आदमियों से बहादुरी से लड़ाई लड़ी। बीदर का विद्रोह 1820। टीपू की मृत्यु के बाद बीदर के पुराने बहमनी साम्राज्य के अवशेषों को निजाम के शासन में शामिल किया गया था। उदगीर और सुलियाल में निजाम के खिलाफ विद्रोह हुए। स्थानीय लोगों शिवलिंगया देशमुख, तिरुमल राव और मेघशम ने विद्रोह का नेतृत्व किया। लेफ्टिनेंट जनरल सदरलैंड ने देशमुखों को हराया और उन्हें कैद कर लिया। यह अभियान 2 महीने तक चला। अगले एपिसोड में हम बीजापुर, कित्तूर, सागर, कोप्पा, कूर्ग और अन्य स्थानों में कुछ और विद्रोहों को कवर करेंगे, तो तब तक ख्याल रखना। अगर आपको यह एपिसोड दिलचस्प लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। भारतीय इतिहास के भूले हुए और अनकहे पलों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Stories you would haven't heard before, tales laden with historical facts and evidence. Historical moments that are not in regular books. An honest effort to bring forward the engaging stories to the viewers. Subscribe to this channel to see more such stories.